से दीपक भाई हमारे से मिस्टी कर रहे हैं, देख सकते हो सारे टेस्ट हो चुके हैं, मतलब देखिए क्या होता है। लेट्स सी, अच्छे खासे इसके टायर भी नहीं थे, उन्होंने टायर वायर भी ऐसे कर दिए इसके, ये भी इतना अच्छे से था, ये भी तोड़ दिया पूरा। ये तो खोला है यार उसने अंदर। अरे खोला है, ये टूटा है। बैक टू द न्यू ब्लॉग। तो गाइज आज के ब्लॉग का थंबनेल देख के तो तुम लोग को पता लगी हो भाई कि भाई आज तुम्हारे एमके भाई की भाई तबीयत बहुत ज़्यादा खराब हो गई है। ये देख सकते हो भाई तुम लोग, अभी जस्ट है ना मैं हॉस्पिटल से आ रहा हूँ। एक्चुअली कल रात भर भाई मुझे ना नींद ही नहीं आई, एंड उसके बाद मेरे को अचानक से ना पेन स्टार्ट हो गया, एंड इतना ज़्यादा पेन हो गया भाई मैं तुम्हें क्या ही बताऊँ। एंड रात को उनका कोई और ऑप्शन नहीं था, एंड मैं घर वालों को भी नहीं उठा सकता था भाई, क्योंकि है ना मेरे वैसे वैसे ही वो लोग बहुत परेशान हो चुके हैं, तो मैं नहीं चाहता था उसे उन्हें और परेशान करूँ, तो भाई मैं नहीं चाहता था कि उन्हें इतनी रात को और परेशान करूँ, तो इसीलिए भाई मैंने ना कुछ नहीं बोला। एंड सुबह बट भाई मेरे को ना एकदम बहुत ज़्यादा पेन हो गया, एंड मैं ना सुबह बहुत ज़्यादा अनकॉन्शियस हो गया था, तो उसके बाद है ना भाई मुझसे नहीं रुका गया, तो मैंने फटाफट सौरभ भैया को उठाया, तो उसके गाइस मैं और सौरभ भैया फटाफट हॉस्पिटल आए, एंड भाई फिर जाके ना भाई मुझे ड्रिप वगैरह चढ़ी है, दो तीन इंजेक्शन लगे हैं, उसके बाद जाके फाइनली ना भाई मेरा दर्द थोड़ा कम हुआ है। तो फिलहाल अभी जो है भाई हम लोग को ना अभी 11 बजे ना हॉस्पिटल जाना है, एंड डॉक्टर को दिखाना है, एंड उसके बाद फिर डॉक्टर ना एडमिट कर देंगे, क्योंकि ऑपरेशन है ना जितना जल्दी उसे उतना जल्दी कराना पड़ेगा भाई, क्योंकि ना मेरे से लिटरली बिल्कुल नहीं है सा जा रहा भाई, बहुत ज़्यादा परेशान हो चुका हूँ मैं। एंड अभी बाहर तुम लोग देख पा रहे हो भाई बारिश कितनी ज़्यादा हो रही है, इतनी ज़्यादा बारिश हुई भाई, एक तो भाई ऊपर से इतनी बारिश एंड ऊपर से इतनी प्रॉब्लम और आ गई, तो भाई चलो कोई बात नहीं, फिलहाल तो अपन वो घर को जा रहे हैं हॉस्पिटल से। एंड अभी जो है उसके बाद अभी जा थोड़ी देर में ना 1 घंटे बाद में वापस आना है, तो एक बार 1 घंटे बाद जाके वापस आएंगे, इसलिए ना अभी ये मेरी कैन्यूल है ना उतारी नहीं उन्होंने, क्योंकि ना अभी इसी में दोबारा से ड्रिप वगैरह चढ़ेंगी, क्योंकि ऑपरेशन करेंगे ना तो उससे पहले वो ड्रिप वगैरह जो भी करेंगे वो उससे पहले करेंगे, तो इसीलिए अभी कैन्यूल नहीं निकाली है। तो फिलहाल जो है अभी फिलहाल घर चलते हैं, उसके बाद अभी 1 घंटे बाद दोबारा से चलेंगे हॉस्पिटल। गाइस फिलहाल जो अभी हम लोग अपने सामान वामान है वो जो डाल रहे हैं इसके अंदर, और भाई ये कैनेडा में दर्द हो रही है भाई, सुबह तो बहुत खतरनाक दर्द हो गई थी जैसे कि मैंने तुम लोग को बताया, एंड अभी जो है फिलहाल दर्द ठीक है। फिलहाल मामा जी भी आ चुके हैं, मैं और मामा जी और सौरभ भैया हम लोग जा रहे हैं भाई हॉस्पिटल, एंड डॉक्टर के साथ जाके बात करनी है, बाकी देखो भाई कितने बजे होता है ऑपरेशन, बाकी जैसा भी होगा तुम लोग को पता लग जाएगा। बाकी गाइस शायद ये वाला ब्लॉग में भी कल अपलोड हो, क्योंकि अगर आज ऑपरेशन हुआ ना तो शायद मैं इसे एडिट ना कर पाऊँ, लेकिन अगर मैं कर दूंगा एडिट तो मैं अगर लेकिन मेरे को अगर टाइम हुआ अगर पहले अगर 6 बजे के बाद अगर ऑपरेशन हुआ तो मैं इसे एडिट करके अपलोड कर दूंगा, तो मेरा ब्लॉग मिल जाएगा ठीक है। बाकी फिलहाल गाइस तुम्हारा भाई अभी जा रहा है फिलहाल तो हॉस्पिटल, बाकी भाई दुआ करो कि मैं जल्दी ठीक हो जाऊँ ठीक है। बाकी सामान वान पैक कर दिया मैंने इसका ना बढ़िया करके, अपना चलते हैं बढ़िया अपने एयरपोर्ट एयरपोर्ट वगैरह जो भी है सब कुछ फोन वोन लेके चलते हैं बढ़िया। तुम एक चीज दिखाता हूँ यार, यहाँ पे देखो भाई हिमानी ने ना बिल्लो रानी को पता नहीं कहाँ मार दिया, इसके अंदर देखो स्क्रैच और डेंट आ गया पूरा, कैसे मारी तूने ये, चलानी वलानी आती है नहीं। अब भाई देखो भाई पता मैंने इसको भी ठीक करवाना था, इसके ना टायर वगैरह इसको कंटेंट चाहिए बस, इसके गाइस टायर वायर खत्म हो गए, एंड ये भी इसने तोड़ताड़ दिए, तो अभी सब रिपेयर कराना, हॉस्पिटल से आके ना एकदम फ्री होकर करवाएंगे इसका काम। सो गाइस तुम यहाँ पे देख सकते हो भाई बारिश हो गई है अचानक, क्योंकि फिलहाल अभी हम लोग जा रहे हैं भाई गाड़ी से, जैसे कि तुम लोग को पता हो क्योंकि बारिश हो रही है, तो जो कर को फिलहाल 2-3 दिन के लिए हम लोगों ने बाय बाय कर दिया, उसके बाद ही मिलेंगे। बाकी हेयर रिजर्व कार है देख सकते हो भाई तुम लोग, एकदम धुल चुकी है बढ़िया करके, बाकी फिलहाल सब लोग रेडी हो चुके जाने के लिए। फिलहाल मैं मामा जी और सौरभ भैया जा रहे हैं, मम्मी लोग नहीं आ रहे, अगर बाई चांस बाद में ऑपरेशन अगर आज ही होता है तो फिर आएंगे मम्मी लोग, बाकी फिलहाल तब तक हम लोग जा रहे हैं डॉक्टर से कंसल्ट करते कि भाई क्या करना है करके। अच्छे खासे इसके टायर भी नहीं थे, उन्होंने टायर वायर भी ऐसे कर दिए इसके, ये भी इतना अच्छे से था, ये भी तोड़ दिया पूरा। ये तो खोला है यार उस दिन उसने अंदर। अरे खोला है, ये टूटा है, ये डेंट है, और ये इसके ऊपर से स्क्रैच आ रखे हैं, कंटेंट बना रहा है, ठीक करा देंगे उसको, वो तो होता ही है गाड़ी के साथ तो ना, ये साधन ही चलेगा हमारी तरफ से, चोट लगी नहीं तो मामा जी ऐसा कुछ आज सौरभ चलो को तो घर का चलो जाओ, वही तो मेरी सेकंड हैंड गाड़ी तो मैं नहीं गाड़ी थी, सेकंड हैंड नहीं उनकी भी नहीं है वो, ओके गाइस तो फिलहाल चलते हैं मम्मी से रिपोर्ट लेते हैं, देना रिपोर्ट। चलो भाई अभी बारिश भी हल्की हल्की सी कम हो गई है तो बढ़िया करके अब चलते हैं भाई। तो भाई देखो हाथ में ना ऐसे कैन्यूला लगी हुई फिर भी गाड़ी चला रहा हूँ, देख रहे हो तुम लोग मेहनत। सो गाइस फिलहाल यहाँ से थोड़ा सा कैश वगैरह निकालना था क्योंकि वहाँ पे पैसे लगेंगे खूब, तो पैसे निकाल लिए हमने देख सकते हो तुम लोग, तो अभी चलने में फटाफट से हॉस्पिटल, 11:30 हो चुके हैं, एंड 11 बजे आ गए थे डॉक्टर, तो चलते हैं फटाफट से।
सो गाइस फिलहाल हम लोग पहुंच चुके हैं राघव पैथ, ये देख सकते हो तुम लोग हैंड है। फिलहाल मैंने अपनी I-20 को भाई यहाँ पार्क लगा दिया है। भीड़ देखो भाई तुम लोग, भाई साहब फिलहाल अभी हम लोग इस भीड़ का हिस्सा बन चुके हैं। तो गाइस फिलहाल यहाँ पे हमारा एक्सीडेंट वाला, ये देख सकते हो तुम लोग। सो गाइस अभी मेरा ब्लड टेस्ट एंड एक्सरे हो गया एंड बाकी फिलहाल अभी ECG वगैरह है, तो ये सब दो तीन चीज़ और होगी एंड उसके बाद जो है हमारा ऑपरेशन होगा एंड आज ही ऑपरेशन है। तो बाकी मैं तुम लोग को बता दूँ गाइस कि आज ही हम लोग को ऑपरेशन होने वाला है, ठीक है। पहले शायद ना कल तक के लिए शायद डिले हो सकता था, बट वो है ना फर्स्ट प्रायोरिटी में मेरा कर रही कि भाई थोड़ी बहुत यहाँ पे पहचान वगैरह है ना, तो उसकी वजह से थोड़ा हो गया जल्दी। तो आज फटाफट से ऑपरेशन पे आते हैं भाई, सिर दर्द से छुटकारा पाते हैं यार, बहुत परेशान हो गया तुम्हारा भाई लिटरली। दीपक भाई हमारी ECG कर रहे हैं, देख सकते हो तुम लोग सारे टेस्ट हो चुके हैं एंड अब देखने के लिए क्या होता है, लेट्स सी। डर तो नहीं होगा ECG बिल्कुल नहीं होगा, गाइस तो कराते हैं पहले ECG फटाफट से। गाइस फाइनली जो है हो चुका है ECG, देख सकते हो फर्स्ट टाइम ECG हुआ है, फर्स्ट टाइम एक्सरे हुआ है, नहीं एक्सरे तो हुआ है, ECG फर्स्ट टाइम हुआ मेरा, बट चलो कोई बात नहीं, सही है। चलो तो अब चलते हैं एडमिट होने गाइस, जब जा रहे हैं भाई साई हॉस्पिटल एडमिट होने के लिए। फिलहाल जो है भाई हम लोग का सारा कुछ टेस्ट वगैरह हो चुका है, यूरिन टेस्ट, एक्सरे, ECG, ब्लड टेस्ट सब कुछ हो चुका है, सब नॉर्मल है। अब जाके ऑपरेशन होगा एंड अभी एक दो घंटे बाद ऑपरेशन होगा, बाकी जैसे भी होगा तुम्हें पता लग जाएगा। बाकी फिलहाल चलते हैं फटाफट से एंड मैं गाड़ी वहाँ पार्क ला के आया था, वो देख सकते हो भाई तुम लोग। अच्छा हुआ अभी तक टो दी हुई नहीं, तो भाई ऐसी उस दिन नोएडा में खड़ी करी थी, सीज कर दी थी, बट आज जो है फिलहाल अभी तो खैर खड़ी है यहीं पर भाई, हल्द्वानी सही है, हल्द्वानी में नहीं होती इतनी जल्दी सीज। सो गाइस फिलहाल जो है फाइनली हम लोग को जो भाई हम लोग का जो रूम है ये मिल चुका है, देख सकते हो तुम लोग भाई, ये है ना सुपर डिलक्स रूम है, ठीक है, प्रेजिडेंशियल बोलते हैं वैसे यहाँ पे हॉस्पिटल सारी लैंग्वेज में। तो फिलहाल ये वाला हमारा रूम है एंड यहाँ पर ये देखो तुम लोग, यहाँ पे सब कुछ सिस्टम लगा हुआ है। ये यहाँ से भी मैंने नर्स को बुलाया लेकिन नर्स आई नहीं यार, ये तो गलत है, रुको फिर बुलाते हैं। तो फिलहाल गाइस यहाँ का ना AC नहीं चल रहा, तो हमने AC के लिए बुला रहे नर्स को, तो अभी लेट्स सी नर्स आती है कि नहीं। तो फिलहाल जो है भाई अभी यहाँ पे फाइनली हम लोग को एक घंटे बाद रूम जो है मिल चुका है एंड अभी डॉक्टर साहब का वेट है, एक दो घंटे लेंगे उन्हें आने में, क्योंकि मुझसे पहले दो तीन सर्जरी उन्हें करनी है, उसके बाद मेरा नंबर है, तो तब तक हम लोग यहाँ पर रेस्ट करते हैं एंड उसके बाद आगे जैसा भी होगा खैर तुम्हें पता लग जाएगा। बाकी मम्मी लोगों को बता दिया, सब लोग आ रहे हैं धीरे धीरे करके, फिलहाल मामा जी और सौरभ जी और मैं यहाँ पे, ठीक है गाइस तुम्हें पता लग जाएगा बाकी आगे आगे जैसा भी जो भी होगा, ठीक है।